क्या बताओ तो कैसा है? शक्ति माता की भगवती भगवती की माता गुड़िया की बाबा गोरक्षनाथ की बाबा विश्वनाथ की अरे कोई बात नहीं, दो कोई बात इसका हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला। पुष्प फेंक दें और लाइव लाइव हम ही बोल पाता आप पोस्टर का सोलो ले रहे पोस्ट भी हो गया मैं सबसे पहले तो अपने इस चैनल को देखने वाले सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद कहूँगा, नमस्कार करूँगा, हर हर महादेव का। आज गोरखपुर की इस पावन धरती पर ग्रेट भैया जी का मुहूर्त हुआ है और मुहूर्त के साथ ही शूट भी शुरू होगा। अभी जस्ट मैं ड्रेस वगैरह पहन के मेरे भी 4-5 सीन शूट किए जाएंगे, ऐसा विचार है। बहुत प्यारी फिल्म है, इसके डायरेक्टर मुरली लालवानी जी हैं, प्रोड्यूसर रूपा मिश्रा जी मेरी छोटी बहन जैसी है। समर सिंह के साथ मैं पहली फिल्म काम कर रहा हूँ और समर सिंह इस फिल्म में हीरो हैं और रूपा भी इसमें हीरोइन है, रितु जी हैं और मैं इसमें खलनायक की भूमिका निभा रहा हूँ। रमेश जी भी इस फिल्म में एज ए प्रेजेंटर के रूप में है, रमेश कुमार यादव जी। तो फिल्म बहुत प्यारी बन रही है और इस फिल्म को जो है आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत प्यारी फिल्म बनी है, बन रही है ग्रेट भैया जी, और इसमें जलवा बिखेरा जाएगा, बाकी सब महादेव की दया। इसमें मेरा और समर का बस ये समझ लीजिए कि वो मुझे जान से मार दे या मैं उन्हें जान से मार दूँ, यही टक्कर चलेगा। और जब लोहे से लोहा टकराएगा तो चिंगारी तो निकलेगी और अंत में क्या होगा अब उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसे आप लोग सिनेमा हॉल में जाके देखिएगा। और जिसके साथ मैं भिड़ता हूँ महादेव की दया से अंगारा ही निकलता है और उसे हिट करते हैं आप जनता जनार्दन और हमारी ये मीडिया। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारी मीडिया भोजपुरी न्यूज़ और सभी जनता जनार्दन का कि आप लोग इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा और इसे सुपर डुपर हिट बनाइएगा जैसे मेरी सारी फिल्मों को सुपर डुपर हिट बनाइए। नहीं, इस फिल्म में मैं बहुत ही दबंग बाहुबली हूँ, दबंग बाहुबली, और मेरे साथ में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं हायर करता हूँ, जिनसे ग्रेट भैया जी को ख़त्म कराने के लिए वो करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें कुछ अलग टाइप का किरदार मुरली लालवानी जी हमसे करवाना चाह रहे हैं, तो जिसके बारे में जब ये बन जाएगी तो आप लोग देखिएगा, एक अलग ही टाइप का मैं इसमें विलन बन के आ रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जी मैं
रूपा मिश्रा जी के लिए बस यही कहूँगा, महादेव से यही दया करूँगा कि वो एज ए हीरोइन इस इंडस्ट्री में खूब तरक्की करे, एज ए प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री में खूब तरक्की करे। मेरी छोटी बहन जैसी है और अभी हाल ही में उसकी एक फिल्म और उसने प्रोड्यूस किया था, इसके पहले उसमें भी मैं विलन था, इस फिल्म में भी मैं विलन हूँ। तो आप सभी जनता जनार्दन से मैं यही विनती करूँगा कि हमारी इस छोटी बहन को खूब प्यार और दुलार दें और इसकी आने वाली सारी फिल्मों को सुपर डुपर हिट करें, जिससे ये हीरोइन में भी और प्रोड्यूसर में भी खूब तरक्की करे, खूब नाम रोशन करे। बस यही मैं रूपा मिश्रा मेरी छोटी बहन के लिए आशीर्वाद और दुआ महादेव से मांगता हूँ कि उसकी हर मनोकामना। मेरी आने वाली कई फिल्में हैं, जैसे कि फ़र्ज है, अभी हाल फिलहाल हमने एक फिल्म बनाई है दहाड़। बहुत अच्छी फिल्म है जो कि 6 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, हिंदी, भोजपुरी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़। तो ये 6 लैंग्वेज में फिल्में रिलीज हो रही है दहाड़, और दहाड़ बहुत ही एक्शन फिल्म है। ये मेरी अभी तक की जितनी भी फिल्में हैं उसमें से सबसे अलग हट के फिल्म बनाई गई है। तो अब बाकी आप लोगों के हाथ में है, जनता जनार्दन जैसा चाहेंगे उसी तरीके से आप लोग इससे भी हिट करिएगा। ये फिल्म बहुत प्यारी है, ग्रेट भैया जी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, मुरली लालवानी जी ये फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार कर बनाने जा रहे हैं। और ये फिल्म की स्टोरी भी कुछ अलग है, अनूठी है। अब बनने के बाद आप लोग देखिए कि ये फिल्म क्या कमाल करेगी पर्दे पर, और ये कमाल करेगी ही करेगी, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी जितनी भी फिल्में हैं, जिस फिल्म में मैं विलन किया हूँ वो सारी फिल्में हिट कराते हैं आप लोग। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी ये भी फिल्में हिट हो, जैसे मैंने पवन जी के साथ जितनी भी फिल्में की सब सुपर हिट है, खेसारी जी के साथ जितनी फिल्में की सब सुपर हिट है, और जितने हीरो हैं उन लोगों के साथ फिल्में की, तो सारी फिल्में है सुपर हिट ही हो जाती है, ये महादेव की दया और आप लोगों का प्यार है। तो ये समर सिंह के साथ फिल्म मेरी पहली है, इसे भी आप लोग सुपर डुपर हिट बनाइए, और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे महादेव पर भी पूरा विश्वास ही क्या, मेरा पूरा भरोसा है कि ये ग्रेट भैया जी भी सुपर डुपर हिट करेंगे आप लोग, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, हर हर महादेव। ये बात करें आज ग्रेट भैया जी की शुरू हो रही है, सबसे पहले चैनल के सभी देवतुल दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। अभी हम शूटिंग करने जा रहे हैं द ग्रेट भैया जी, ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन है, और फिल्म के जो निर्मात्री हैं रूपा मिश्रा जी हैं, इसके डायरेक्टर निर्देशक मुरली लालवानी जी हैं, विकास पंडित जी इसके छायांकन कैमरामैन हैं, और फिल्म में लगभग मतलब कि 2-3 सालों से मैं जो मेरा मूल नेचर था, चरित्र था कॉमेडी का, बहुत कम करेक्टर मिलते थे, लगातार मैं नेगेटिव करेक्टर विलन कर रहा था इधर, लेकिन इस फिल्म में मैं कॉमेडी करेक्टर कर रहा हूँ, कॉमेडियन का। समर जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म है, हम समर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन ये साथ में हम पहली बार कैमरा फेस करेंगे, स्टेज हमने काफ़ी बार फेस किया है, साथ में काम किया है। और रूपा जी के साथ अभी एज एक्टर ग्रुप में हम लोगों ने 2-3 फिल्में साथ में की हैं, और हमारे होम टाउन गोरखपुर की भी है, और काफ़ी अच्छा करेक्टर है, मतलब रंथ्रू पूरी फिल्म में करेक्टर मेरा है कॉमेडी का। आप अब तो कॉमेडी के साथ आप लोग ने विलन भी देखा, बाप के रोल में भी देखा, और अब फिर इसमें कॉमेडी करने जा रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इसमें मैं कॉमेडियन का, एक समर सिंह जी के दोस्त हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोगों में बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम और समर जी यूट्यूब के हिट स्टार कहे जाने वाले समर जी मिल के एक नया धमाल, एक नया इतिहास रचने के प्रयास में हैं, और अच्छा हुआ। इनके साथ मेरी पहली फिल्म है, लेकिन काफ़ी उम्दा, काफ़ी जोशीले और अंतक ऊर्जा से भरे हुए हैं,
उनके बारे में मैंने सुना है तो मुझे भी अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा काम करने का ये पहला अनुभव है और निसंदेह अच्छा ही होगा। अभी तो मेरी थी एक फिल्म अभी लगी थी, बाबजी लगी थी, खेसारी जी के साथ कॉमेडियन विलन का था, प्रेम गीत पार्ट टू लगी है, अभी वंश टीवी पर हुई आई है, प्रीतम प्यारे टीवी पर आई है, फिल्में तो लगातार आ रही हैं। अभी मैंने गोरखपुर में कंप्लीट की है दोस्ती, एक बाप के करेक्टर में भी शुरू कर दिया हूँ, पहले तो कॉमेडी करता था फिर विलन पे आया, मुकद्दर का सिकंदर किया विलन, पिछले साल का बेस्ट विलन का अवार्ड मुझे मिला 2020 का, और तो फिर ट्रेंड चेंज हो गया कोरोना की वजह से। पहले कॉमेडी करता था, फ़ोन करता था लोगों को, हाँ भैया क्या काम मेरे लिए, यार सिर्फ़ इसमें कुछ कॉमेडी करेक्टर नहीं है, एक्शन मूवी है, तो हम कहे यार कॉमेडी नहीं एक्शन है, तो फिर मैं विलन शुरू कर दिया, तो विलन भी किया, लोगों ने पसंद किया, काफ़ी फिल्में मुकद्दर सिकंदर आई, अभी एक बाबजी लगी थी प्रमोद प्रेमी के साथ, अभी UP 64 आ रही है, और एक गुंजा आ रही है, एक अभी गौरव झा जी के साथ में आ रही है, तेरक तिलक 16 के ब्याह, कई फिल्में लगातार है जो विलन आई। फिर अभी कोरोना काल आया, ट्रेंड चेंज हुआ, डिजिटल मार्केट हुआ, फिर फिल्मी फैमिली फिल्में बनने लगी, तो उसमें विलन का भी काम कम हो गया, कॉमेडियन था उसका भी काम कम हो गया, और हमारे लिए ना कोई भाषा मायने रखती है ना कोई किरदार, हमको अपना 100% देना है। मैं सोचा लाओ बाप का रोल करता हूँ, क्योंकि बाप का रोल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत टफ करेक्टर लगता है, जिसमें कुछ ना करने को हो वो सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे, चलो तो कॉमेडी मसाना है, विलन में डराना है, एक्शन करना है, जिसमें कुछ नहीं करना है वो तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। हम के अलावा रिस्क लेते हैं, बाप का करेक्टर किया दोस्ती में, चला मुरारी हीरो बनने, इसमें विशाल सिंह जी के फादर का करेक्टर है, काफ़ी कॉमेडियन करेक्टर है, पूरी फिल्म है, स्टोरी हम लोग के इर्द गिर्द घूमती है, हमारे विशाल जी के, राजकुमार जी इसके निर्माता हैं, और भी प्रेम के नैया राम के भरोसे उसमें हीरोइन के बाप का रोल किया, और अभी एक फिल्म मन लागे क्या है, एक फिल्म अभी और किया मैंने, तो उसमें भी बाप के करेक्टर किया, तो कई काफ़ी फिल्में अभी मैं हर तरह करेक्टर कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, विलन कर रहा हूँ, एक बाप का भी कर रहा हूँ, चरित्र अभिनेता का भी कर रहा हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसे मुझे हमेशा प्यार दिए हैं, हमेशा प्यार देते रहिए। हाँ, इससे इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है मेरा, जैसे कि देखिए कलाकार तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे यूपी बिहार में, हर जगह कलाकार अच्छे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। मैं अपने महादेव प्रोडक्शन के उन्हीं को चांस देती हूँ जिन्हें कहीं और चांस नहीं मिल पाता। मैं चाहती हूँ सब आगे बढ़े, और सब पहले सभी नए होते हैं, बाद में पुराने, तो चाहे वो पवन जी हो चाहे खेसारी हो, सब ने शुरुआत किया है तो आज इस मुकाम पर आए हैं। तो मेरा बस यही एक मकसद है कि जो नए लोग हैं, मैं जो थोड़ा बहुत उनके लिए अच्छे एक्टरों के लिए कर सकूँ, नए मीन्स अच्छे एक्टर हों, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, बस मेरा यही रीज़न है। वर्तमान की जो भोजपुरी का अस्तर है उसके आप क्या, सॉरी जो अस्तर है भोजपुरी का उसके आप क्या, अस्तर पे बहुत काम चल रहा है, अभी सब साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं, बहुत लोगों ने सुधार लाया, और हमारी भी एक यही सोच है कि मैं भी एक साफ सुथरी फिल्म बनाऊं। मेरी तो जो भी प्रोडक्शन हाउस से फिल्में बनेगी ऐसी बनेगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम बहुत नदिया की पार टाइप की, क्योंकि हमारा जो आज ऑडियंस है जो देखना पसंद करता है उसके हिसाब से मैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं बनती, हिंदी में बस तरीका होता है फिल्माने का अलग अलग, सो हमारे भोजपुरी को ही बस बदनाम किया गया, ऐसा कुछ है नहीं, सब देखते हैं सब सुनते हैं, लेकिन हमारी फिल्म ऐसी नहीं है, साफ सुथरी फिल्म बन रही है और हमारे ऑडियंस को पसंद आएगा। आपके इस फिल्म में समर जी को साइन करने का क्या मतलब, क्योंकि मुझे लग रहा था ग्रेट भैया जी में समर जी ही फिट आएंगे, सो समर जी आप बताएं, एक साफ सुथरे गीतों से आप यहाँ तक पहुँचे, आपको नहीं लग रहा था शुरू में कि हम साफ सुथरा गाएंगे तो सफल हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा कभी आपके मन में आया था, आप तो साफ सुथरा गा के चमक गए यहाँ स्टार बने? ऐसा कुछ नहीं था, जैसे जैसा माहौल होता है वैसे हम लोग ढल जाते हैं, और कोई काम थोड़ा सा विपरीत भी होता है तो उस टाइम चल रहा था कि नहीं कुछ अलग किया जाए, तो हमने सोचा कि हम अपने गांव की चीज़ों को देते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो लोगों ने इतना प्यार दिया कि जिसको हमने सोचा नहीं था। भोजपुरी के वर्तमान माहौल से आपने अलग किया था? हाँ, उस टाइम तो ऐसा ही लग रहा था कि माहौल कुछ ऐसा था,
लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया और लोगों ने प्यार दिया, तभी यहाँ तक है। नहीं तो गाने, गांव के गाने, मिट्टी के गाने 400-500 मिलियन कैसे जाते, तो ये कहीं ना कहीं उनको पसंद आया तभी। तो ऐसे ही हम लोग काम करेंगे आगे भी, साफ़ सुथरा काम हो, घर परिवार के लोग देखें सुने। बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पूरे घर के लोग हैं और मेरी पूरी टीम है, तो दिल से काम करेंगे हम लोग मेहनत से। निभाऊंगी, बस आप लोग की दुआएं आशीर्वाद चाहिए। दो हीरोइने हैं, मैं भी कर रही हूँ, एक ऋतु जी कर रही हैं और भी मैं, सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं। समर जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस देखते हैं और अच्छा ही होगा। समर जी का नेचर बहुत अच्छा है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, अच्छा होगा काम। हाँ नहीं बिल्कुल, मैंने कहा सर क्या पहनने, वाइट, तो मैं भी वाइट पहनी, क्या करूँ सब ने वाइट पहन डाला, बताइए ड्रेस कोड हो गया। ये हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। मुन्ने सर बताइए कब तक आप मार्केट में जा सकते हैं? अगली बार जरूर करिए, ड्रेस कोड रखा करिएगा पूरा पे। सभी लोगों को प्रणाम है। और द ग्रेट भैया आज से शुरू हुई है गोरखपुर में, और आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले इस फिल्म को। और इसकी प्रोड्यूसर हैं रूपा मिश्रा जी, मुरली लालवानी जी इसके डायरेक्टर और लेखक हैं, रमेश भैया इसके प्रेजेंटर हैं रमेश जी। और इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही पावन नगरी गोरखपुर में शूट हो रही है, बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से ये फिल्म बन रही है, और बहुत बेहतरीन फिल्म बन रही है। आप लोग हमेशा देखे हैं कि नहीं, हम जो भी फिल्में करते हैं तो कुछ न कुछ अलग होता है, और हमारी हमेशा सोच रही है कि नहीं, फिल्में जो भी करेंगे अलग कैरेक्टर रहेगा, अलग किरदार रहेगा, अलग लुक रहेगा। और टेक्निकल भी ये फिल्म बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पूरी यूनिट के, पूरी टीम के लोग बहुत ही मेहनती हैं और काम करने वाले हैं। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, धमाका होगा। हमारा, हम तो बोले आपसे पहले ही कि नहीं, हम जो भी काम करते हैं तो हमारे यहाँ का कल्चर और हमारे यहाँ की मिट्टी की चीज़ें को हम हमेशा लेके चले हैं, और ये जंक्शन से शुरू हो रहा है तो कौन से जंक्शन पे जाएगा ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर लगातार तीन फिल्में ये लगातार अब शुरू हो गई है, अब लगातार तीनों फिल्मों चलेंगी और आगे भी देखते हैं करते हैं। अभी कौन कौन फिल्म आने वाला है? अभी विनाशक यूट्यूब पे आने वाली है, और सुहागन रेडी है, लाल चुनरिया वाली पे दिलाया रे, तमाम फिल्में रेडी हैं बहुत सारी, और एक तारीख भी रेडी है, सारा कुछ हो गया है। अब जब भी सिनेमा हॉल अब तो खुल गए हैं, और बस दर्शक लोगों का प्यार मिले, और जब भी सिनेमा हॉल खाली मिले तो फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म के जो निर्मात्री हैं मैं, रूपा मैम, रूपा मिश्रा जी, जो कि पहले बहुत सारी फिल्मों में उन्हें आप लोगों ने देखा है, और अच्छा रोल करती हैं, अच्छा एक्टिंग करती हैं और बहुत खूबसूरत हैं। और उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में, ये हमको लगता है कि कई फिल्में कर चुकी हैं और मेरे साथ तीन फिल्में कर रही हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस किया और ये द ग्रेट भैया से शुरू किया। और मुरली सर से हमारी मुलाकात 4 साल पहले भी हुई थी, और हमेशा उनका प्यार मिला, और उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि नहीं, हम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे आपके साथ, और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, और ज़्यादा नहीं कहना है, और बस वो दिल में रखने वाले इंसान हैं, तो
काम करेंगे हम लोग साथ में और बेहतरीन धमाका होगा जी। और अब पहली बार आप और रितिक एग्जाम नजर आएंगे, क्या जमेगी, क्योंकि रितु सिंह जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बहुत सारा काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और सीरियल में, और वो एक मजे हुए कलाकार हैं और बहुत सम्मान करते हैं हम उनका, और वो हमेशा जब भी हमसे जहाँ जहाँ मुलाकात हुई है वो हम बहुत मानती हैं और अच्छे हैं। हम लोग मिल के काम करेंगे, जो चीज़ हमको नहीं समझ में आएगी हम सीखेंगे लोगों से और अच्छा करेंगे। बस जैसे प्यार देते हैं देते रहिए, आशीर्वाद दीजिए, और बहुत सारे गाने आप लोग के बीच में आ ही रहे हैं, लगातार गाने आ रहे हैं, और अभी हाल ही में एक गाना आया है छठ का और कल ही रिलीज हुआ है पियरिया पिया। अभी कमरिया पिया तो हिट दिया ही आप लोगों ने, फिर पियरिया पिया आया है छठ में, और बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और भी गाने बहुत सारे आएंगे छठ के सभी कंपनियों से। अभी छोरा गंवार आया था वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, टुकुर टुकुर टिप्स से आया था, और पनवा जस बदनवा समर सिंह ऑफिशियल से आया था, तो लगभग सारी कंपनी DRS से आज गाना एक रिलीज हुआ है कमर धके सूज जाई, तो गाने लगातार आते रहेंगे, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम क्या नया दें और वो देसी से जुड़ा हो। गाने हमारे देसी रहते हैं, हम उसको अब थोड़ा वेस्टर्न में शूट कर रहे हैं। पहले क्या था कि देसी को देसी में शूट करते थे, अभी देसी गाने को हम वेस्टर्न में कर रहे हैं, तो दर्शक लोगों को वो भी पसंद आ रहा है, तो बस उनको पसंद आ जाए वही बस हमारे हम सफल हैं। रत्नाकर सर बहुत अच्छे हैं, एक गार्जियन की तरह हैं, पिता समान हैं, और उन्होंने बहुत प्यार दिया है और वो जितना मेहनत करते हैं दिल से धन्यवाद है सर को कि बहुत मेहनती इंसान और वर्क करते हैं हर गाने पे। गाना कोई भी ऐसे नहीं सिलेक्ट करते हैं, टाइम देते हैं, अच्छा शूट करते हैं, और कुछ भी कमी रहती है फिर बताते कि नहीं ऐसे करते हैं उससे करते हैं, तो एक होता है ना कि ये गार्जियनशिप होती है कि नहीं हाँ उस चीज़ों को अच्छी चीज़ों को लाना करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि इतना मेहनत करते हैं भोजपुरी को लेके, और सभी लोगों को होना चाहिए कि नहीं भोजपुरी के लिए मेहनत करें जैसे कि सर करते हैं। समर फिल्म इंटरटेनमेंट से अभी फाइटर किंग बनी थी, और भी फिल्में आप लोगों को अनाउंस जल्दी ही मिलेगा कि बहुत सारी फिल्मों की तैयारी चल रही है, तो बस आशीर्वाद बना रहे समर फिल्म इंटरटेनमेंट समर सिंह पे। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।